हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल सर हियर, क्लास 9th का। आज हम सेकंड लेक्चर लाए हैं नंबर सिस्टम का। लेट्स स्टार्ट। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है और आज वो पहली बार बच्चा वीडियो देख रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाके नीचे आप पहली वीडियो देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कल जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू हुआ था वो हुआ था रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन? रेशनल नंबर्स का, नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मान लो कोई दो नंबर आपको दिए हुए हैं, एक है 5/3 और दूसरा नंबर है -5/3। इन दोनों ही नंबर्स को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कल हमने बताया था कि कोई भी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले आप ये देखेंगे कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, इसकी पहचान क्या बताई थी? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को ध्यान से देखो। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा आए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या आए? बड़ा आए, तो वो कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा? प्रॉपर। और अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो? छोटा। कहने का मतलब है न्यूमरेटर क्या हो डिनोमिनेटर से? बड़ा, तो वो कैसा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यहां पे ध्यान से देखो, इस वाले में 5/3 में, 5/3 में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है? बड़ा है। तो ये कौन सा केस हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का केस हो गया। कौन सा केस हो गया? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे आगे देखो। देखो इसके दो मेथड्स हैं रिप्रेजेंट करने के। सबसे बेसिक मेथड, हमको 5/3 -5/3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये कैसा फ्रैक्शन है? ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इधर देखो, सबसे पहला मेथड ये हो गया 0। ठीक है, ये कितना है? 5/3। कितना है ये? 5/3। ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सर। तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। वो कैसे सर? 5/3, 3 का 5 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आएगा। किससे डिवाइड किया? 3 से। फिर से बताते हैं, 3 से 5 का डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना रिमाइंडर आया? 2 आया। 3 1 जा 1 3 1 जा 3, 3 + 2 5। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 1 2/3 को 1 + 2/3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 2/3। अब यहाँ ध्यान से देखो, 1 में कितना ऐड हो रहा है? 2/3 ऐड हो रहा है। 1 में 2/3 ऐड हो रहा है, कहने का मतलब है ये 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा, लेकिन 2 से छोटा होगा। 2 से क्या होगा? छोटा होगा। तो नंबर लाइन पे हमने कल भी बताया था, जब नंबर्स को रिप्रेजेंट करो तो उनके बीच में डिवीजन कैसा रखना है? इक्वल रखना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 1 रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से 1 और 2। ये जो नंबर है हमारा 5/3, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 1 + 2/3। दैट मींस 1 में 2/3 एक्स्ट्रा, 1 प्लस मतलब 1 से आगे, कितना आगे? 2/3 आगे। ये 0 है, ये हम 1 पे पहुंच गए। 1 से कितना आगे जाना है? 2/3। 2/3 कैसा फ्रैक्शन है? अब यहां ध्यान से देखो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है बच्चों? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका बताया था? 1 और 2 के बीच में है, कितने डिनोमिनेटर है इसका? 3। तो इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब इसका ऊपर न्यूमरेटर कितना है? 2। तो सेकंड पार्ट पे अप्रोच करेंगे, इस पार्ट पे। ये पार्ट कितना होगा? 2/3। ये कितना था? 1। ये कितना है? 2/3। 1 में 2/3 ऐड कर देंगे। ये कितना है? 0 से लेके 1, 1 हो गया सर। इसमें कितना ऐड कर दिया? यहां से यहां तक 2/3। 1 में 2/3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5/3। दैट मींस ये कौन सा नंबर है? 5/3। कौन सा नंबर है ये बच्चों? 5/3। अब इसी का जस्ट उल्टा करें, -5/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। वाइस वर्सा, सेम कंसेप्ट। यहां पे, यहां -1, यहां -2, और इन दोनों के बीच के 3 टुकड़े करेंगे इक्वल। फिर उसके सेकंड वाले ब्लॉक पे क्या लिख देंगे? -5/3।
ये क्या हो गया प्लस का 5/3। तो कंसेप्ट आपको समझने आ गया होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का, इससे पहले वीडियो में बताया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जितने में भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ 1+2/3 आया, मान लो 2+2/6 आता, 3+ समथिंग आता, 4+ समथिंग आता, 10+ समथिंग आता, तो पहले वहां तक जाते, फिर उससे उतना आगे बढ़ जाते, ठीक है। अब थोड़ा अलग तरीके से देखो, दूसरा मेथड देखो बच्चों, दूसरे मेथड में यहाँ पे क्या था 5/3 था, 5/3 को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 5 क्या है, इंटीजर है, 5 क्या है, इंटीजर है, इसको 1/3 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है कि 5 का 1/3 पोर्शन, मैं फिर से बोल रहा हूँ 5 का 1/3 पोर्शन, जैसे यहाँ पे मान लो 2 है, हम कहें 2 का हाफ पोर्शन कितना होगा कि सर 1 होगा, कैसे आया, 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई करके। हम कहें 3 के 3 इक्वल पार्ट्स कर दो बच्चों, 3 के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 में, तो इसका एक पार्ट किसके इक्वल आएगा, 1 के, ऐसे करके 3 के कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे सर। ऐसे यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 में 3 का मल्टीप्लाई होने का मतलब है 5 के कितने पार्ट्स कर रहे हो आप, 3 पार्ट्स कर रहे हो, कितने कर रहे हो, 3 पार्ट्स कर रहे हो। अब इसको नंबर लाइन पे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये मान लो आपका 0 है, यहां हमने इंटीजर 5 डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, अब इस इंटीजर का कितना पार्ट, 5/3, तो इस पार्ट को कितने इक्वल पीसेस में हम डिवाइड करें, 3 में, तो इसको 3 पार्ट कर लेंगे इक्वल, ये पार्ट्स जो होंगे इनकी लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं नंबर लाइन पे गैप जो होता है वो इक्वल होता है। अब इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने के बाद हमें कौन से पार्ट पे जाना है, 5/3 पे जाना है सर, किस पे जाना है, 5/3 पे। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमने 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो पहले कंसेप्ट समझो, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट कितना होगा, 5/3 के ऊपर, ऐसे कितने पार्ट होंगे 3 के, कि सर 3 पार्ट्स होंगे, कितने पार्ट्स होंगे 3 के, 3 पार्ट्स होंगे। अब इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 5, हमने डिवाइड किसको किया है, 5 को किया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है कि सर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसी बात को न्यूमेरिकली हम क्या बोल रहे हैं, 5/3। तो 5/3 को दिमाग में रीड करना हम सीख गए कि 5/3 का मतलब है कि 5 को सर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब आगे देखो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है तो एक पार्ट कितना होगा, 5/3 होगा। अब तीनों पार्ट्स को ऐड करेंगे, जब 5 को डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, उन तीनों हिस्सों को फिर से ऐड करोगे तो आना क्या चाहिए, रिजल्ट वही तो आना चाहिए जिसको डिवाइड किया है, डिवाइड किसको किया है, 5 को, तो आना कितना चाहिए, 5। तो चेक करते हैं, 3 क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 3 ऊपर, 5 और 5 10, 10 और 5 15, तो 3 से 15 कितनी बार गया, 5 टाइम्स गया। तो कहने का मतलब है इसका हर एक पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे पहले ही पोर्शन को हम क्या लिख देंगे, 5/3। यहां 5/3 लिखने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, 0 से लेके यहां तक की डिस्टेंस 5/3 के इक्वल है। ये जो डिस्टेंस लेंगे सिर्फ इतनी, इस लाइन से इस लाइन तक की ये भी कितनी है, 5/3, इस लाइन से इस लाइन तक की भी कितनी है, 5/3। लेकिन 0 से लेके अगर दूसरी वाली लाइन तक गए, 0 से लेके दूसरी वाली लाइन तक गए, तो 5/3 कितने टाइम हो गया, 2 बार, एक ये और एक ये, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3। और ये 0 से लेके अगर 5 तक गए तो 5/3 5/3 5/3, तो टोटल कितना होगा यहां तक, 15/3, दैट मींस 5, और यहां पे 5 है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझ गए, मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूं, जैसे आप पे लिखा है 5/3 को रिप्रेजेंट करो,
फाइव अपॉन थ्री को दिमाग में तुरंत रीड किस तरीके से करेंगे कि फाइव फाइव को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो फाइव को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, जीरो से लेके फाइव तक की लाइन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फाइव अपॉन थ्री को पहले लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। हर ब्लॉक कितने के बराबर होगा? 5 अपॉन 3 के। तो पहला ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 अपॉन 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये होता है दूसरा मेथड। इसी में हमें और किसको रिप्रेजेंट करना था? माइनस 5 अपॉन 3 को। किसको रिप्रेजेंट करना था? माइनस 5 अपॉन 3 को। माइनस 5 अपॉन 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट इसके अपोजिट यहां पे माइनस 5 होगा नंबर लाइन पे, जैसे यहाँ 5 होगा वहां क्या होगा? माइनस 5 होगा। इसके भी कितने पोर्शन करेंगे? तीन पोर्शन करेंगे। हर एक पोर्शन जीरो से लेके यहां तक का किसके बराबर होगा? माइनस 5 अपॉन 3 के। तो इस पे क्या लिख देंगे? माइनस 5 अपॉन 3। ध्यान में ये बात रखनी है कि इन सब के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस होगी। ये तीनों पार्ट की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड रिप्रेजेंटेशन का। अब हम सीखेंगे नंबर रेशनल नंबर्स निकालना किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। कोई दो नंबर दे रखे होंगे हम पे, जैसे मान लो एक नंबर हो गया 1/3, दूसरा नंबर हो गया 1/2। इन दोनों के बीच में मान लो हमको एक रेशनल नंबर निकालना है, या मान लो दो रेशनल नंबर निकालना है, या मान लो तीन रेशनल नंबर निकालना है, या मान लो 1 या फिर 2 या फिर 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा हमारा d इक्वल्स टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1। d निकालेंगे सबसे पहले, d किसके इक्वल होगा? y माइनस x अपॉन n प्लस 1 के इक्वल होगा। जब हमारा d निकल आएगा फिर जितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं उसके लिए x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d एंड सो ऑन अप टू, जितने भी रेशनल नंबर की आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब सर ये d कहां से आ गया, कैसे करना है, क्या करना है, तो लेट्स डू इट, समझाते हैं। यहां देखो y और x, y में से x क्या हो रहा है? सबट्रैक्ट हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि आपका x जो है, सॉरी y जो है यहां पे, वो x से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इस फॉर्मूले में ये दो रेशनल नंबर्स हैं, एक 1/3 एक 1/2। इन दोनों में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 1/2 है। 1/2 बड़ा है तो 1/2 में से क्या घटाएंगे? 1/3 घटाएंगे। बस इतनी। n क्या है सर यहाँ पे? n है कितने रेशनल नंबर आपको चाहिए। आपको अगर दो रेशनल नंबर चाहिए तो n2 रखेंगे, एक रेशनल नंबर चाहिए तो n1 रखेंगे, चार रेशनल नंबर चाहिए n4 रखेंगे, पांच रेशनल नंबर चाहिए n5 रखेंगे। तो सबसे पहले हम तीन रेशनल नंबर निकालते हैं। कितने? तीन। तो n की जगह कितना रखेंगे बच्चों? 3 रखेंगे। अब इधर देखो ध्यान से, d इक्वल्स टू y जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला क्या है? 1/2 माइनस x कितना है? 1/3 अपॉन n। कितने नंबर चाहिए हमको बच्चों? तीन नंबर चाहिए। n की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे प्लस 1। अब 1/2 में से 1/3 को सबट्रैक्ट करो। प्रोसीजर क्या है? इनका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 3 बन जा 3 माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया 2, 2 बन जा 2। इसके नीचे क्या लग रहा है? अपॉन लग रहा है सर। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। d इक्वल्स टू 3 में से 2 गए कितना आया बच्चों? 1 अपॉन 6, 6 के नीचे क्या है? 4। वो ऊपर किस में चला जाएगा? 6 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो d कितना आ गया बच्चों आपका? 1/24। कितना आ गया d? 1/24। अब हमने क्या बोली थी? हमको कितने नंबर चाहिए? 3 चाहिए। तो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, ये फॉर्मेट था हमने बताया था। और अगर हमें 4 चाहिए होते तो x प्लस 4d, 5 चाहिए होते तो x प्लस 5d, 6 चाहिए होते तो x प्लस 6d एंड सो ऑन अप टू 3 चाहिए। तो हम सबसे पहले x, x कितना लिया था हमने? छोटा वाला नंबर। छोटा वाला नंबर कौन सा है इसमें? 1/3। तो 1/3 में क्या ऐड करेंगे? 1/24। तो इधर देखो, वन अपॉन थ्री में क्या ऐड करेंगे? 1/24। 24 एलसीएम आया, 3 से 8 टाइम गया, 8 प्लस 24 से 24, 1 टाइम 1, 9 अपॉन 24।
फोर। अब इसके आगे आप ऐसे ही बढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको निकालना हो। सीरीज क्या आई 9/24, इससे आगे क्या आएगा 10/24, इससे आगे क्या आएगा 11/24 एंड सो ऑन अप टू। तो कितने नंबर मिल गए हमको, तीन नंबर चाहिए थे, तीन नंबर मिल गए, 9/24, 10/24 और 11/24। ये मेथड होता है किन्ही भी दो नंबर्स के बीच में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेशनल नंबर निकालने का। इसको फिर से ब्रीफ करता हूँ, फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। वाई क्या है, इन दोनों में जो बड़ा वाला रेशनल नंबर होगा वो, एक्स क्या है जो छोटा वाला होगा, एन क्या है नंबर ऑफ, कितने नंबर आपको निकालने, कितने नंबर की आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे क्वेश्चन ने बोला पांच निकालो तो एन की जगह क्या रख देंगे पांच, क्वेश्चन ने बोला तीन निकालो तो एन की जगह कितना रख देंगे थ्री रख देंगे। y माइनस एक्स, वाई कितना है थ्री, थ्री में से कितना घटाएंगे टू घटाएंगे, अपॉन x, n प्लस वन फोर, थ्री प्लस वन कितना आ गया फोर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया d 1/24, कितने नंबर निकालने थे तीन, x प्लस d आ गया कितना 9/24। अब इसको आगे इसी सिक्वेंस में बढ़ाते जाएंगे 10/24, 11/24 एंड सो ऑन अप टू। तो ये मेथड हो गया आपका रेशनल नंबर निकालने का बिटवीन एनी गिवन टू रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या, अब मान लो आपको दो नंबर्स दे रखे हैं थ्री एंड फोर, इनके बीच में आपको सिक्स रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं सिक्स। कुछ बच्चे को सोच रहे होंगे सर थ्री और फोर इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है, तो अभी अभी बताया था कि नहीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। थ्री अपॉन फोर क्या फॉर्मूला था, डी इक्वल्स टू y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे y क्या था बड़ा वाला नंबर, इन दोनों में बड़ा कौन है फोर, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फोर माइनस एक्स छोटा वाला नंबर थ्री। n क्या होगा सर, n होता है आपको कितने नंबर चाहिए, आपको सिक्स नंबर चाहिए तो n की जगह रखेंगे सिक्स प्लस वन, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया फोर में से थ्री गए वन, सिक्स प्लस वन सेवन, तो d आ गया हमारा वन प्लस सेवन। इसके आगे हमने क्या बताया था कि क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, x प्लस डी, x प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस फोर डी एंड सो ऑन अप टू। हम कहां तक जाएंगे, x प्लस सेवन डी तक। तो पहले हम x प्लस डी निकाल लेंगे और x प्लस सेवन डी, उसके बीच में एक सीरीज बनेगी उसको हम फिल कर देंगे। x प्लस डी कितना होगा, x क्या है यहाँ पे छोटा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर कितना है थ्री है, तो थ्री में कितना जोड़ देंगे बच्चों d जोड़ देंगे, d कितना आया है 1/7 आया, तो 3 और 1/7 इसको जोड़ने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड कर दो। फिर से देखो, अगर किसी नेचुरल नंबर को किसमें जोड़ रहे हो, फ्रैक्शन में जोड़ रहे हो, तो डिनोमिनेटर से उसका मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर ऐड कर दो, 7 3 21 और 1 22/7 22/7। आप चाहो तो इस क्रम में भी आगे बढ़ सकते हो, कैसे, यहाँ 22/7 आया है, इसके आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा 23/7, फिर बढ़ेंगे तो 24/7 एंड सो ऑन अप टू। यहीं पे हम अगर x प्लस 7d निकाले तो x कितना है छोटा वाला नंबर 3 प्लस 7d, 7 इंटू डी, डी कितना है 1/7, 7 से 7 कैंसिल किया तो कितना आ गया 3 आ गया, समझ गए। तो इन दोनों के बीच की पूरी सीरीज हम ऐसे ही भर लेंगे जिससे हमारे 6 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे इन दोनों के बीच में। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी वाले क्वेश्चन में हमने 3 × x d को क्या लिख दिया था, 3 लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लेना, 3 × 7 × 1/7, 7 से 7 कैंसिल, 1, 3 प्लस 1 इज 4, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों हमारा, वो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन किसका, रिप्रेजेंटेशन करेंगे रेशनल नंबर्स का, किसका, रेशनल नंबर्स का इनटू डेसिमल फॉर्म। किस फॉर्म में करेंगे बच्चों, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसका, रेशनल नंबर्स का। कौन से मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। जैसे इधर देखो, यहां पे मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है 7/8 को, किसको रिप्रेजेंट करना है, 7/8 को रिप्रेजेंट करना है।
किस में? डेसिमल फॉर्म में। अभी किस फॉर्म में है ये? रेशनल नंबर की फॉर्म में। इसको किस में कन्वर्ट कर देना है? डेसिमल फॉर्म में। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है? डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 8 से 7 का डिवाइड करेंगे, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? डेसिमल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7 8 से क्या है? छोटा है। डेसिमल लगाने के बाद आप एक जीरो ले सकते हो। तो 8 से 70 कितने टाइम जाएगा? 8 8 जा 64। 10 में से 4 गए, कितना बचा बच्चों? 6 बचा। 6 में से 6 गए, कितना बचा? 0 बचा। यहां डेसिमल पॉइंट ले चुके हैं हम, तो यहां एक जीरो हम ले सकते हैं। अब यहां कितना हो गया? 60। 8 से 60 कितनी बार जाएगा? 8 7 जा 56। 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4। 5 में से 5 गए, 0। अब यहां डेसिमल लगा हुआ है, 4 8 से छोटा है, यहां फिर से क्या ले सकते हैं? एक जीरो ले सकते हैं। अब यहां कितना हो गया? 40। तो 8 5 जा 40। अब यहां कितना रिमाइंडर बचा? 0 बचा। कितना रिमाइंडर बचा? 0 बचा। हमें ये प्रोसेस जब तक फॉलो करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, या फिर जब तक डिजिट्स रिपीट होना नहीं चालू हो जाते, या फिर जब तक डिजिट्स रिपीट भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो। चलो ये चीज अभी बताएंगे, अभी बस इतना सीख लो कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड देंगे, डेसिमल लेंगे, एक डेसिमल पे हम एक जीरो ले सकते हैं, और ये प्रोसेस आगे फॉलो करते जाएंगे जब तक हमें जीरो नहीं मिल जाता। ठीक है, अब आगे देखो एक और क्वेश्चन इसी के पैरेलल। माइनस 17/8। सर इसको कैसे करेंगे? 8 का 17 में कैसे डिवाइड देंगे? तो एक चीज याद रखना, जब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 17 को एज अ क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, ना कि माइनस। तो 8 का किस में डिवाइड करेंगे? 17 में, ना कि माइनस 17 में। 8 का 17 में डिवाइड करेंगे तो 8 से 17 कितनी बार जाएगा? 8 2 जा कितना होता है बच्चों? 16। 17 में से 6 गए, कितना बचा? 1 बचा। क्या ले लेंगे? डेसिमल। क्यों लेंगे? क्योंकि 1 जो है वो 8 से क्या है? छोटा है। एक जीरो ले सकते हैं। 8 1 जा 8। 10 में से 8 गए बच्चों, कितना बचा? 2 बचा। डेसिमल लगा हुआ है, 0 ले सकते हैं। 20 कितनी बार जाएगा? 2 बार 60। कितना आ गया? 4 आ गया। डेसिमल लगा है, 0 ले सकते हैं। 8 से कितनी बार जाएगा ये? 5 टाइम्स जाएगा। तो कितना आ गया? 2.125। यहाँ पे कितना आया था? 0.875। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को रिप्रेजेंट करना सीख गए। और ये जो क्वोशेंट मिलेगा, क्वोशेंट ही आपका कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा? डेसिमल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा। 7/8 का कितना आया? 0.875। इसका कितना आया? 0.2125। एक चीज याद रखना, डेसिमल के बाद कभी भी 875 ऐसे करके नहीं पढ़ते हैं, 1 by 1 डिजिट्स को सेपरेट करके पढ़ते हैं। जैसे इसको कैसे रीड करेंगे? 0.875। इसको कैसे? 2.125। गॉट इट? नेक्स्ट देखो बच्चों, 8/3 इसको रिप्रेजेंट करना है। किस में रिप्रेजेंट करना है? डेसिमल फॉर्म में। लेट्स स्टार्ट। 3 से डिवाइड देंगे 8 का। 3 2 जा 6। कितना रिमाइंडर आया बच्चों? 2 आया। 2 3 से क्या है? छोटा। क्या लेंगे? डेसिमल। अब 3 से 20 कितने टाइम्स जाएगा? 6 टाइम्स, 18। 3 से 20 6 टाइम, कितना आया? 2 आया। फिर से क्या लेंगे? 0 लेंगे। फिर 3 से कितनी बार? 18 टाइम्स। फिर कितना आया? 2 आया। फिर पॉइंट लगाए, फिर 0 लेंगे। फिर 6 टाइम्स कितना लेंगे? 18। फिर कितना आया? 2 आया। फिर पॉइंट लगाए, फिर 0 लेंगे। फिर 6 टाइम्स कितना आया? 18 आया। फिर कितना आया? 2 आया। और ये प्रोसेस बार 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 रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे हमारा जो डिवीजन है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। हमने क्या बोला? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब रिमाइंडर 0 आना एक स्टेज पे जाके। यहाँ हम डिवीजन करते जा रहे हैं लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर बार 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 यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। सबसे ज्यादा फोकस वाली बात क्या है? रिमाइंडर यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस स्टेप में भी 2 था, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है,
और आगे भी क्या आता जाएगा, टू आता जाएगा, तो यहाँ पे हम थ्री डॉट्स लगा देंगे। ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है 2.6, जितनी भी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं उनके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आप देख के ही समझ जाओगे कि इसका जो रिमाइंडर है वो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, इसलिए क्वेश्चन में क्या लग गया है, बार लग गया है 2.6 बार। गॉट इट? यहाँ पे ये रिमाइंडर रिपीट कर रहा था, क्वेश्चन बार 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 2.6666 जा रहा था। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया, 2.6 पे बार। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। इससे पहला वाला क्या था, टर्मिनेटिंग, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग माने वो डेसिमल जो एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाए, वो डिवाइड जो एक पॉइंट पे जाके क्या आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो ये क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गए। कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे, -16/45, इसको कन्वर्ट करना है। हमने जब बताया था तो क्या बताया था, अगर माइनस का आ जाए, माइनस का आ जाए तो हम क्या कंसीडर करेंगे, उसको एज अ क्वांटिटी लेंगे। तो 45 से किस में डिवाइड करेंगे, 16 में। 45 से 16 में डिवाइड करेंगे, 16 45 से छोटा है, यहाँ पे डेसिमल लेंगे। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। अब 45 से 160 कितने टाइम जाएगा, थ्री टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स, थ्री टाइम, 3 5 15, 3 4 12 और 1 3, कितना आया, 135। 10 में से 5 गया कितना बचा बच्चों, 5। 6 में से 5 में से 3 गया कितना बचा, 2 बचा। अब 25 45 से क्या है, छोटा है, डेसिमल लगा है, एक जीरो ले सकते हैं। अब 250 कितने टाइम्स जाएगा, तो ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और 2 22। तो 5 टाइम्स डिवाइड दिया, कितना आया, 225। 10 में से 5 सबट्रैक करें, 5 आया। 4 में से 2 सबट्रैक करें, 2 आया। फिर 25 आ गया, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर डेसिमल लगा हुआ है, ये छोटा है, फिर 0 ले सकते हैं, फिर 5 टाइम्स डिवाइड देंगे, फिर कितना आएगा, फिर से कितना आएगा, 25। फिर 25 आया, फिर 0 लेंगे, फिर डिवाइड देंगे 5 टाइम्स, फिर 225, फिर कितना रिमाइंडर आया, 25 है। और ये बार 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 अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है, यहाँ पे पूरा सारी डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही हैं, 0.3 तक तो सही था, उसके बाद 5 अपने आप को बार 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 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ 3 पे बार नहीं लगाएंगे, यहाँ सिर्फ 5 पे बार लगाएंगे। किस पे बार लगाएंगे, 5 पे। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, -16/45 का डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। कितना हो गया, 0.35। और 5 पे क्या लगा दिया, बार लगा दिया। यहाँ पे 3 पे इसलिए लगाया क्योंकि 3 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ 5 रिपीट कर रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जितना सेक्शन रिपीट करेगा सिर्फ उतने ही सेक्शन के ऊपर बार लगाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा पोर्शन पे बार नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे दो तरह के नंबर्स हमको मिले, जब हमने रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी तक एक था बच्चों आपका टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वो था जो एक स्टेप पे जाके अपने आप पे रिमाइंडर जीरो लाता। एक था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वो था जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था, जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा था, बार 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 कुछ ना कुछ नंबर रिपीट हो रहा था। तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि बच्चों इतनी देर से हम कन्वर्ट किसको कर रहे थे, किसको कन्वर्ट कर रहे थे, रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और क्यू किसके इक्वल नहीं होता है, जीरो। क्यू किसके इक्वल नहीं होता है, जीरो के इक्वल। कन्वर्ट करने में या तो हमें टर्मिनेटिंग मिले थे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोल के यहां बोलेंगे हम रिपीटिंग, हमें वो मिल रहे थे जिनमें कोशेंट में कुछ डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे थे, सारी भी कर सकती हैं डेसिमल के बाद, या कुछ डिजिट भी अपने आप को रिपीट कर सकती हैं।
तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये दो फॉर्म आई थी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करने पे? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे। तो जो रिजल्ट यहां से आया है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये आया है कि एक रेशनल नंबर जो होगा वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा? टर्मिनेटिंग, या फिर क्या होगा दूसरा? रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। रेशनल नंबर कोई सा भी क्यों ना हो, हर रेशनल नंबर को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक फॉर्म है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरी फॉर्म है रिपीटिंग डेसिमल। कौन सी फॉर्म है? रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग। रिपीटिंग मतलब कोई एक सेक्शन क्वेश्चन का अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होगा। तो दुनिया का कोई सा भी रेशनल नंबर इन दो फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। ये सबसे जरूरी बात है जो आपको याद रखनी है। दुनिया का कोई सा भी रेशनल नंबर इन दो फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। और अगर इसका उल्टा बोले तो क्या बोलेंगे कि कोई सा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई सा भी डेसिमल किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? रेशनल नंबर की फॉर्म में। और क्या कह सकते हैं? कोई सा भी रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? रेशनल नंबर में। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही है कि दुनिया का कोई सा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आज हमने क्या पढ़ा कि कोई सा भी रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखा जाएगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम किसको कन्वर्ट करना सीखेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर की फॉर्म में, रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर की फॉर्म में। जैसे मैं आपको बता दूं किस तरह के क्वेश्चन होंगे, 0.375 ऐसे दे रखा होगा और बोल रखा होगा इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, दैट मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। या फिर दे रखा होगा 1.3 बार, या फिर 0.399 पे बार, या फिर 0.9 बार, या फिर 0.1 बार, और इन सब को रिपीटिंग को किस में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा होगा? रेशनल में, दैट मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जिन्होंने ये लेक्चर पहली बार देखा है वो नंबर प्लेलिस्ट में जाके पहला लेक्चर देख सकते हैं। 10th क्लास के, 11th क्लास के, 12th क्लास के मैथ्स के लेक्चर रेगुलर अपलोड हो रहे हैं स्टूडेंट्स। आपके अगर कॉन्टेक्ट में कोई स्टूडेंट्स है इन सेक्शन में तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथामेटिक्स क्लब वीडियो। थैंक यू सो मच।